संवैधानिक संस्था का और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करेंगे तो जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री जी गुंडा राज में बिहार विधानसभा को तब्दील नहीं होने देंगे। और बिहार के अंदर भी जो प्रशासनिक अराजकता के कारण अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, इससे मुक्ति की लड़ाई की शंखनाद इसी मानसून सत्र में होगा। परंपरा को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का पालन करते हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप लें, सदन बेहतर ढंग से चलाएं, एक आदर्श प्रस्तुत करें। दल की बैठक हम लोग आज दोनों सदन के विरोधी दल के नेता और दोनों मुख्य सचेतक सभी माननीय सदस्य विधानमंडल दल के उपस्थित थे। दो तीन लोग दूसरे कार्यक्रम में गए हुए थे। हम लोगों ने तय किया है कि सदन छोटा है, छोटे सदन में बिहार की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए। उनकी जन समस्याओं को लेकर सदन में विषय हम रखेंगे और उस विषय को सरकार से अपेक्षा रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जवाब दें। अभी सबसे ज्वलंत विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ FIR होता था तो आप इस्तीफा लेते थे मंत्रियों से, आज चार सीटेड हो गया तो फिर इस्तीफा लेने से क्यों भाग रहे हैं, क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को आप इस्तीफा लें या नहीं तो बर्खास्त करें और सदन में आप जवाब दें। लगभग आधे दर्जन पूर्व के मंत्री से आप ही मुख्यमंत्री जी इस्तीफा लिए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, आपके पूर्व मंत्री आरएन सिंह जी, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी, आपके पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह जी सहित कई लोग थे। आज 24 घंटे के अंदर दानापुर में घर में घुसकर हत्या कर देना, बाढ़ में नौजवानों की हत्या कर देना, नालंदा में हत्या कर देना, दानापुर तो मैं खुद जा रहा हूं, बाढ़ में भी हमारे विधायक विधान पार्षद की एक टीम जा रही है और नालंदा भी, कल नालंदा भी जाएगी। ये भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर क्यों पहुंच रहा है? और सदन जब चालू होता है तो और ज्यादा आपकी पुलिस की निष्क्रियता क्यों दिखाई पड़ती है? और जो विधायक इस विषय को उठाता है, विधायक पर ही प्रशासनिक अराजकता प्रकट होती है। आज एक विधायक हमारे बता रहे थे, माननीय जयप्रकाश यादव जी को, उनके साथ जिस तरह से खगड़िया के SP के द्वारा अवमानना किया गया है, तो कई गंभीर विषय आए हैं। आज शिक्षकों की बहाली का भी मामला पर काफी विचार आया है, चर्चा हुई है, और शिक्षकों का अपमान और बहाली के नाम पर वर्गलाने के खेल पर 13 तारीख को विधानसभा मार्च, पूरे विधानमंडल दल के लोग ही नहीं, पूरे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उन शिक्षकों के साथ खड़ा है। और ये सरकार लाठी गोली की भाषा बोलेगी तो उससे डरेगा नहीं, संविधान में इनको थोड़ा सा भी विश्वास है तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करें। और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदन के अंदर उनकी बात को सुने, उनकी बात को जवाब दें, सार्थक विमर्श सदन के अंदर कराएं। लेकिन हिटलर शाही तानाशाही के संगति से आपातकाल की मानसिकता लगाकर संवैधानिक संस्था का और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करेंगे तो जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री जी गुंडा राज में बिहार विधानसभा को तब्दील नहीं होने देंगे। और बिहार के अंदर भी जो प्रशासनिक अराजकता के कारण अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, इससे मुक्ति की लड़ाई की शंखनाद इसी मानसून सत्र में होगा।
मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने परंपरा को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का पालन करते हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप लें, सदन बेहतर ढंग से चलाएं, एक आदर्श प्रस्तुत करें। देखिए, यही तानाशाही और हिटलर शाही है। जब एक मंत्री ने कहा कि मुझे चोरों का सरदार बना दिया, सच को उजागर किया, तो आप उसको पद से मुक्त कर दिए। जब सत्ताधारी दल के राजद के एक विधान पार्षद कह रहे हैं कि उंगली मार डाकू डाकू खड़ग सिंह जैसे लोक पदाधिकारियों की जमात को विधायिका को अपमानित और कलंकित करवाते हैं, तो वरगलाने का खेल ये लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं है या जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, उस मानसिकता का सूचक साफ शब्दों में है। आज मदन साहनी जी, आज एक वीडियो आप देख लें, वायरल हो रहा है प्रेस में, मदन साहनी जी ने प्रेस में कहा कि हमारे बेटा से रंगदारी लिया गया। ए टू जेड की क्या यही पार्टी है? अति पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, जन सामान्य जो शरीफ लोग हैं हर समाज के, उसकी हत्या खुलकर हो रही है। कैबिनेट मिनिस्टर मदन साहनी जी के बेटे से रंगदारी ली जा रही है, और मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए कितना मौन रहेंगे, कितना बिहार की जनता को अपमानित करेंगे, कितनी अराजकता का वातावरण बनाएंगे, सदन में आपको जवाब देना होगा। और तो